श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो राधा रानी की, जय हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम आपको बरसाने का इतिहास बताएंगे, और इतिहास बताने के पहले कुछ बरसाने के बारे में बताएंगे। बरसाना धाम जो है वो राधा रानी का धाम है, और पूरे ब्रज भूमि में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पूरे ब्रज में श्री कृष्ण भगवान के चरणों की धूल लेने के लिए सब लोग आते हैं। देवता लोग आते हैं, ऋषिगण आते हैं, और महात्मा जन आते हैं। सब लोग आकर भगवान की पद रज लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जितने भी धाम हैं वहां पर भगवान चप्पल पहनते हैं, भगवान को चलने के लिए मखमल बिछाते हैं, भगवान के चलने के लिए सफर के लिए उनके लिए रथ भेजते हैं, दारुक रथ लेकर आता है। तो भगवान के चरणों के तलवों का जमीन को स्पर्श होने का कोई चांस ही नहीं है। वो केवल वृंदावन में होता है, क्योंकि श्री वृंदावन धाम में भगवान नंगे पैर आते हैं, इसलिए भगवान के चरणों के तलवों का स्पर्श जमीन को होता है। तो वो जमीन को जब स्पर्श होता है तो वहां की धूल जो है वो उनके चरणों को रखती है, और चरण धूलि का निर्माण होता है। इसलिए सारे विश्व के जितने भी महात्मा जन हैं, देवता जन हैं, ऋषिगण हैं, सब लोग ब्रज में भगवान के चरणों की धूल लेने के लिए आते हैं। लेकिन अहो आश्चर्यम, जिनके चरणों की धूल लेने के लिए सब लोग वृंदावन में आते हैं, वो भी एक जगह पे जाते हैं अपने लिए चरणों की रज लेने के लिए। वो है बरसाना, क्योंकि वहां पर राधा रानी अपने पैरों में कोई चीज जूता वता न पहनने के स्थिति में वहां पर विहार करती रहती है। इसलिए उनके भी चरण के तलवों का स्पर्श जमीन को होता है, वहां पर उनके चरणों की धूल का निर्माण होता है। यानी कि राधा रानी की पद रज जो है, चरण रज, वो बरसाने में है, और उसको धारण करने के लिए हमारे परम भगवान परम पुरुषोत्तम श्याम सुंदर जी महाराज बरसाना पहुंचते हैं। तो ये सब हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बरसाने में जाने के पहले थोड़ा ना मन की तैयारी करना बहुत जरूरी है। बरसाना जाना आसान काम नहीं है। टिकट निकाला, बस का, ट्रेन का, रिक्शा का, प्राइवेट टैक्सी का, कमरा बुक कर लिया तो बरसाना में प्रवेश होगा, इसका कोई वादा नहीं है। बरसाने का प्रवेश भाव से होता है, और भगवान किस तरह बरसाने में प्रवेश करते हैं वो जानने से हमको पता चलेगा कि हमको प्रवेश कैसे करना है। भगवान स्वयं अपने भगवान के स्थिति को छोड़कर वहां आते हैं, मतलब अपने ऐश्वर्य को सब छोड़कर पीछे एक सामान्य व्यक्ति बनकर आते हैं। हमको भी बरसाना में जाने के पहले हमारा जो भी ऐश्वर्य है, जो पद है, जो अधिकार है, जो अहंकार है, वो सब छोड़ के जाना पड़ेगा, सब उतारना पड़ेगा। उसके बाद में भगवान सखी भाव यानी दास्यता का भाव लेकर बरसाने में प्रवेश करते हैं। इस भाव से प्रवेश नहीं करते कि मैं बॉस हूं, जगत का मालिक हूं, जगत नियंता हूं, हर एक पत्ता मेरे इच्छा के बिना हिलता नहीं है। इस भाव से वो वहां प्रवेश नहीं करते हैं। प्रवेश करते हैं तो दास दास अनुदास भाव से प्रवेश करते हैं, उसको सखी भाव कहते हैं। तो हमें भी वो उधर नियंत्रक, कंट्रोलर, अधिकारी बनकर प्रवेश नहीं करना है। हमको एक सामान्य व्यक्ति और सेवक बनकर वहां प्रवेश करना है। उसके आगे जाकर देखिए कैसे प्रवेश करना है। हमको देख सोचना है कि
ये सोचना है कि हम यहां पर भिक्षुक हैं। भिक्षु का मतलब क्या है? जो भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा कौन मांगता है? जिसके पास कुछ नहीं रहता है। आपको उस स्थिति में जाना पड़ेगा मन की कि मेरे पास कुछ नहीं है, राधा रानी के सामने मेरे पास कुछ नहीं है। तो प्रेम भक्ति सेवा की भिक्षा मांगने के लिए हम वहां जाते हैं। उसके बाद में संत लोग बताते हैं कि अरे रजोगुण तमोगुण को छोड़ के आया करो भाई, बरसाने में शहर का रजोगुण तमोगुण लेकर मत आना। वो गंधर्वों का भी ऐसा ही गड़बड़ हो गया था। गंधर्वों को एक बार ब्रज में प्रवेश मिला तो भगवान को देख रहे थे, भगवान वहां सबकी जूठन खा रहे थे, तो गंधर्वों को लगा अरे ये भगवान है क्या, ये सबकी जूठन खाते हैं, ये कैसे भगवान है? क्योंकि वो अपने गंधर्व लोग के ऐश्वर्य को छोड़कर नहीं आए थे, उसी को लेकर आए थे। तो ऐश्वर्य के साथ में भगवान को देख रहे हैं तो उनको भगवान की असलियत जो है वो पता नहीं चल रहा है। इसी तरह से शहर का स्वभाव और शहर का कंडीशनिंग लेकर बरसाने जाएंगे तो बरसाने में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सब लगेगा ये तो झूठ है, या तो लगेगा ये सही नहीं है, ऐसा लगेगा आपको। तो सरल मन बहुत जरूरी है, जो कपट रहित है, वासना रहित है, लोभ रहित है, ऐसे ही सरल हृदय से बरसाना के अंदर प्रवेश मिलता है। और एक बात ध्यान रखना, भगवान स्वयं परम पुरुषोत्तम होने के बाद भी भगवान वहां पर एक सखी बनकर प्रवेश करते हैं। एक है सखी भाव, सेवक भाव, और एक है सखी वेश, यानी सखी ही बनकर जाते हैं। एक पुरुष के लिए एक स्त्री बनना इतना आसान काम नहीं है। तो भगवान तो एक सामान्य पुरुष नहीं है, वो परम पुरुषोत्तम है। वो फिर भी वो बिना संकोच वहां पर एक स्त्री का वेश धारण करके प्रवेश करते हैं। बहुत कुछ करते हैं भगवान बरसाने में आने के लिए, याद रखना इस बात को। बरसाने के लिए आने के लिए वहां शांति चाहिए मुझे। भगवान बरसाने में प्रवेश करने के लिए बहुत कुछ त्याग करते हैं, और वो भी ऐसा नहीं जोर जबरदस्ती, प्रेम से त्याग करते हैं, दिल से त्याग करते हैं, चाहते हुए करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। तो ये सब हमारी क्वालिफिकेशन है। हाँ, मैं डॉक्टर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं सुंदर हूं, मैं जवान हूं, ये सोचकर प्रवेश करेंगे तो बरसाने के अंदर वास्तविक रूप में आत्मा के स्तर पर प्रवेश नहीं मिलेगा। और ये बरसाना जो है इसमें भगवान के कुछ विशेष भक्ति पहुंच सकते हैं, बाकी लोग दर्शन करके चले जाते हैं, प्रवेश बहुत कम लोगों को मिलता है। तो खैर अभी ये इतनी बातें काफी आपके लिए बरसाने के महात्म्य को समझने के लिए। तो यहां पर इतिहास ऐसा है कि तीन महासतियां थी पितरों के लोक में, और वो वैकुंठ गई भगवान को मिलने के लिए। तो उन्होंने ना चार कुमारों को वहां पर जो गेट पर थे उनको दंडवत नहीं किया, तो उन्होंने शाप दे दिया, आप पृथ्वी पर जाओगी और मानवी जन्म लोगी। उतने में विष्णु बाहर आए, बोले अरे ये तो शाप नहीं है, तो मेरी इच्छा थी कि आप पृथ्वी पर जाएं। तो बोले क्यों जाए पृथ्वी पर हम वैकुंठ छोड़कर? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि वहां पर मेरी तीन महासतियों का जन्म होने वाला है, पार्वती, सीता और राधा रानी, इनको मुझे पृथ्वी पर प्रवेश दिलाना है आपके माध्यम से, तो आप तीनों उनकी माताएं बनेंगी। तो तब समझ में आया कि भगवान की कोई दिव्य इच्छा है। तो ये उन पृथ्वी पर जन्म हुआ इनका। एक बनी पार्वती की माता मेनका, और पार्वती को जन्म दिया। एक बनी सुनैना, जिन्होंने सीता को जन्म दिया जनक महाराज की पत्नी बनकर। और एक बनी कलावती, और कलावती ने आगे जाकर राधा रानी को जन्म दिया अगले जन्म में। लेकिन आगे की कहानी सुनिए। कलावती का विवाह सुचंद्र से हुआ। सुचंद्र कलावती ने मिलकर 12,000 साल तपस्या किया। उसके बाद में उनको ब्रह्मा ने दर्शन दिया और वरदान दिया कि द्वापर में वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में आप कीर्तिदा बनोगी, और आपके मुख गर्भ से आपके कन्या के रूप में राधा रानी आएगी। तो यथावकाश सुचंद्र और कलावती ब्रह्मा लोक में रहे, और जब वैवस्वत मनु का 28वां द्वापर आया तो वो दोनों वृषभानु और कीर्तिदा के रूप में जन्म लिया। कीर्तिदा का जन्म कहाँ हुआ?
मुखारा गांव में इंदुसेन गोप और मुखारा देवी के कन्या के रूप में कीर्तिदा का जन्म हुआ और मही भानु के कुंज भानु के पुत्र मही भानु के नौ पुत्र हुए, उसमें से बीच वाले पुत्र सूर्य के अवतार थे, उनका नाम था वृषभानु महाराज, वो सुचंद्र के अवतार थे। इनका विवाह हुआ सुचंद्र और कलावती का कीर्तिदा का और उनको आगे जाके राधा रानी की पुत्री के रूप में प्राप्ति हुई। ये एक इतिहास है। दूसरा इतिहास है राजा दिलीप जो था रघुवंश में था, वो मतलब सूर्यवंश में, दो वंश होते हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में प्रभु रामचंद्र हुए थे, चंद्रवंश में राधा भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और उसी सूर्यवंश में जहाँ प्रभु रामचंद्र हुए हैं उसी वंश में राधा रानी का आगे जाकर जन्म हुआ। तो वो सूर्यवंश में राजा दिलीप थे, वो एक बार स्वर्ग में गए थे, उन्होंने वहां पर कामधेनु गाय को प्रणाम नहीं किया। तो कामधेनु को प्रणाम नहीं करने से क्या हुआ, कामधेनु को प्रणाम नहीं करने से शाप लग गया उनको। कामधेनु ने शाप नहीं दिया, कामधेनु का अपराध हुआ इसलिए देवताओं की तरह शाप प्राप्त हुआ कि उसको पुत्र नहीं होगा। उसको पता नहीं था, वो तो ऐसे ही ध्यान नहीं था उनको, बहुत देर तक पुत्र नहीं हुआ तो जो सूर्यवंश के गुरु हैं वशिष्ठ मुनि, उनके भी गुरु थे, उनको पूछा क्या महाराज जी मुझे पुत्र क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ध्यान किया तो उस ध्यान में उनको पता चला कि उन्होंने गाय का अपराध किया है, कामधेनु का अपराध किया। तो उन्होंने कहा कि उनको कामधेनु का अपराध करने की वजह से शाप लग गया है, तुमको अभी कामधेनु की सेवा करनी होगी। लेकिन कामधेनु अभी पृथ्वी लोक पर नहीं है, वो स्वर्ग लोक में है, कामधेनु की कन्या नंदिनी मेरे पास है, उसकी आप सेवा करके उस संतुष्ट करोगे तो फिर आप कामधेनु को अपराध से मुक्त हो जाओगे। उसके बाद क्या हुआ, कामधेनु की कन्या नंदिनी की गौ भक्त दिलीप ने बहुत सेवा की, आखिर में नंदिनी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो क्या परीक्षा लिया, एक शेर को भेजा जो नंदिनी को खाने जा रहा था। तो उस समय राजा दिलीप ने देखा और सिंह को रोक, शेर को रोक लिया और कहा तुम मुझे खा जाओ, गाय को मत खाओ। तो शेर ने बोला इस जानवर के लिए इतना तुम राजा की कीमती जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो राजा ने कहा राजा तो दूसरा हो सकता है लेकिन गाय जो है वो वैदिक संस्कृति का आधार है, सात तत्व जो है वैदिक संस्कृति के उसमें मूल तत्व जो है वो गाय है। गाय के ऊपर ब्राह्मण, ब्राह्मण के ऊपर वेद, वेद के ऊपर सती स्त्री, उसके ऊपर पुरुषों का भार, समाज का भार अवलंबित है। तो इसलिए राजा दूसरा आ सकता है लेकिन गाय को नहीं मार सकते हैं। अच्छा इतना तुम्हें गाय पर श्रद्धा है तो मरने को तैयार हो जाओ, ऐसे करके राजा को बुला। तो राजा ने गर्दन नीचे की और शेर आकाश में छलांग लगाई और आकाश में छलांग लगाने के बाद जब जो नीचे गिरने का समय आया तो वो शेर का रूपांतर फूलों की माला में हुआ और वो माला राजा दिलीप के गले में पड़ी और भगवान शिव जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि वो शेर मैं था, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए निष्ठा की मैं शेर बनकर आया था, तुम अब तुम्हारी परीक्षा में कसौटी में पूरे पास हो चुके हो, अब तुम्हें पुत्र होगा। तो उनके पुत्र के रूप में उनके आगे उनके पुत्र उनका पुत्र हुआ, उसी वंश में आगे जाकर रघु जी का जन्म हुआ, रघु महाराज का, जिनको हम कहते हैं ना रघुकुल नंदन प्रभु रामचंद्र। रघुकुल की जहाँ रीत चली आई, प्राण जाई पर वचन जाई, ये जो रघुकुल का वर्णन है वो राजा रघु का जन्म हुआ इसी वंश में और रघु के आगे जाकर प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ। फिर उसके वंश में आगे जाकर अभय कर्ण जी का जन्म हुआ, अभय कर्ण जी ने रसंग राजा को जन्म दिया और फिर रसंग राजा ने बरसाना ये राज्य के रूप में बसाया और राज्य के रूप में बसाने के पश्चात आगे जाकर वृषभानु महाराज का जन्म हुआ और फिर राधा रानी का जन्म हुआ। ये दूसरा इतिहास हुआ। तीसरा इतिहास यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक बार कहा कि सबसे बड़ी सती कौन है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की पत्नियों को लगा कि हमारे सिवा कौन हो सकता है, लेकिन उनके पतियों ने कहा कि तुम में से कोई नहीं है, ये भ्रम में मत रहो कि तुम सबसे श्रेष्ठ नारी हो, सती नारी हो, पतिव्रता नारी हो। तो उन्होंने कुतूहल के रूप में पूछा फिर कौन है, अगर हम नहीं है तो कौन है। तो उन्होंने कहा पृथ्वी पर है, कौन है, सती अनसुया।
वो पूरे 14 लोकों में सर्वश्रेष्ठ सती नारी है। तो ईर्ष्या से नहीं, लेकिन अगर ये सत्य है तो अभी किसी को वो सत्य पता नहीं है कि सती अनसुया सर्वश्रेष्ठ सती है, तो ये पूरे विश्व को पता होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा जाओ उसकी कसौटी ले लो ताकि उसका गौरव पूरे पृथ्वी में लोगों को पता चले। तो ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पर गए, सती अनसुया अत्रि मुनि की पत्नी थी और बड़ी सती और पतिव्रता थी, तो ये तीनों ऋषि बनकर गए, उसके कुटिया पे गए और कहा भवती भिक्षान देही, भिक्षा दो मैया, भिक्षा दो। तब ये बाहर आई भोजन लेकर, बोले बैठो भोजन करो। तो तीन महाराज क्या कहते हैं कि आपको ना सारे कपड़े उतार कर हमको भोजन करना पड़ेगा, ये हमारी शर्त है। तो वो समझ गई कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो वो जाकर अंदर से अपने पति का कमंडल लेके आती है जहाँ पर सुबह के पूजा का पानी है उसके अंदर। वो पति के कमंडल में से पानी लेकर उनके ऊपर छिड़कती है, तो तीन बड़े ऋषि जो हैं वो तीन नग्न बालक बन जाते हैं और फिर खुद अपने वस्त्र उतारकर नग्न बालकों को भोजन करने में कोई संकोच नहीं है। तो फिर छोटे बालक हैं वो, अभी उनके एक साल भी उम्र नहीं पूरी हुई है, ऐसे बालकों को नग्न अवस्था में वो भोजन कराती है। फिर वो बालक जो है वो मैया के प्रेम से आसक्त हो जाते हैं, सती अनसुया को मैया के रूप में देखते हैं, मैया भी उनको प्रेम से पालन करती है और तीनों बच्चे उसी के घर पे रहते हैं और कई दिन बीत जाते हैं। उधर स्वर्ग में ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां परेशान हो जाती है, नीचे उतर के आती हैं सीधे अत्रिमणि का आश्रम में। उनको पता है उनके पति परीक्षा लेने के लिए कहाँ गए हैं, उनको पता है, तो वहां पे आती है और बोलते है मैया हमारे पति कहाँ हैं। तो मैया कहती है वो देखो खेल रहे हैं, नंगे बालक है ना, वो ही तुम्हारे पति हैं। तो बहुत उनको हाथ जोड़कर चरणों में गिर जाती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां और कहती है माता जी ये हमारे पति, इनको वापस कर दो। तो फिर वो अपने पति का कमंडल का जल दोबारा लेके आती उस दिन का, उससे जल लेकर तीनों बच्चों को छिड़कती है। तीनों बच्चे जो हैं नग्न अवस्था में थे वो दोबारा ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं, मैया को प्रणाम करते हैं और कहते हैं मैया अभी आपने तो आपको पूरा हमको बड़ा बना दिया, अभी बालक थे कितने बढ़िया आपके प्रेम का अनुभव कर रहे थे, तो हमें आपके पुत्र बनने की बहुत इच्छा है, अभी तो ऐसे ही पुत्र बने, अभी आपके गर्भ से हमको जन्म लेना है। तो आशीर्वाद देती है तथास्तु। तो ब्रह्मा जी चंद्र के रूप में अनसुया के गर्भ से जन्म लेते हैं, शंकर जी दुर्वासा मुनि के रूप में जन्म लेते हैं और विष्णु जी दत्तात्रेय के रूप में जन्म लेते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा दत्तात्रेय भगवान और दुर्वासा मुनि अनसुया के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन उसके पहले सती अनसुया ये तीनों देवताओं को शाप देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। क्या कह के तुमने मेरी परीक्षा लेने का प्रयास किया, हाँ क्या समझते हो अपने आपको, मैं सती हूं और मुझे आप परीक्षा लेने को आते हो, जाओ पत्थर बन जाओ। उनको शाप दिया और तीनों को पर्वत बना दिया। तो पर्वत जो है वो ब्रह्मा जी बरसाने में बने हुए हैं ब्रह्माचल, और विष्णु जी बने गोवर्धन, और शिव जी बने नंदीश्वर पर्वत नंदगांव में, बरसाना में बलराम ब्रह्मा जी, नंदगांव में नंदीश्वर जी, और बीच में वृंदावन में गोवर्धन भगवान। ये तीसरा इतिहास है। चौथा इतिहास है सृष्टि के निर्माण में पहले सत्ययुग में, पहले 60,000 साल में ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और तपस्या करके कुछ नहीं हुआ, कोई दर्शन वर्शन मिला नहीं, तो अपने काम में लग गए निर्माण करने के, है ना। फिर वो उसी सत्ययुग के अंतिम 60,000 साल दोबारा तपस्या किया। सत्ययुग के कितने साल होते हैं, 17,28,000 साल का एक सत्ययुग होता है। उसमें से पहले 60,000 साल किया तपस्या, कुछ लाभ नहीं हुआ, उसके बाद में उन्होंने दूसरा बार सत्ययुग के अंत में 60,000 साल की तपस्या की और उसके बाद क्या हुआ, फिर कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए, अरे भैया क्या चाहते हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके और आपके भक्तों के चरणों की धूल चाहता हूँ। अच्छा तो बरसाने चले जाओ। तो बरसाने जाके क्या करूं,
पत्थर बन जाओ, पर्वत बन जाओ, ममोपरी क्रीड़ा करिष्यसि, विश्वानुपुरम गत्वा, विश्वानुपुर में चले जाओ, वहां पर पर्वत बनो, आपके शीश के ऊपर हम अपने सखियों के साथ लीला करेंगे। इस तरह से ब्रह्मा जी की तपस्या ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जिसके वजह से बरसाने में चार सुंदर पर्वत हैं, भानुगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और मानगढ़। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैंने बताया ना आपको कि बरसाने में प्रवेश कैसे करना है, पहले बता दिया आपको कि कृष्णा वहां पर स्वयं रज लेने को आते हैं, कृष्णा वहां पर सखी बनकर आते हैं, कृष्णा भगवान वहां पर रस का आस्वादन लेने को आते हैं। कृष्ण रसराज हैं, लेकिन वो रस प्राप्त कहाँ होता है रसराज को? हाँ, आपके दुकान में बहुत बड़ी मिठाई, बहुत सुंदर मिठाई मिलती है, लेकिन आप कहाँ से लाते हैं उसको? हाँ, आपके घर में बीवी बना के बेचते दुकान में बेचने के लिए। इस तरह से वर्ल्ड के लिए तो कृष्ण रसराज हैं, लेकिन वो रस कहाँ से लेते हैं, उनका सोर्स किधर है? वो सोर्स राधा रानी है, रस का निर्माण राधा रानी से होता है। फिर वो कृष्ण उसकी याचना करते हैं, भीख मांगते हैं उनसे, फिर उनको दान में रस मिलता है, फिर वो रस का विकास करते हैं, और फिर बाद में रस का प्रचार करते हैं वृंदावन में, और फिर वृंदावन रस की भूमि बनती है। उगम कहाँ से उसका? राधा रानी है। राधा रानी जब चलती है तो उनके चरणों के पहने हुए पैंजनिया से, नुपुर से वेद की ध्वनि निकलती है, वेद के स्वर निकलते हैं, वेद के श्लोक निकलते हैं, वेदों का निर्माण होता है। ऐसा है ये राधा रानी का चरण कमल। दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण भगवान के हृदय की संजीवनी है, वो श्री कृष्ण के जीवन को चलाने वाली शक्ति है, वो श्री कृष्ण उसके बिना अधूरे हैं, उनका जीवन नहीं चलता है राधा रानी के बिना। राधा रानी खड़ी होती है तो तेज प्राप्त होता है उनको, रस प्राप्त होता है, अर्थ प्राप्त होता है, और राधा रानी के विषय में कृष्ण क्या सोचते हैं, ये अभी हम जयदेव महाराज की गोस्वामी की कथा से सुनने का प्रयास करते हैं। जयदेव गोस्वामी जो है वो 7वीं सदी में शायद उनका जन्म हुआ था, जगन्नाथपुरी में पद्मावती से उनकी शादी हुई थी, जगन्नाथ के आदेश से वो चंपाहाटी गए थे नवद्वीप धाम में, वहां पर उनको गौरांग महाप्रभु का दर्शन हुआ था, और वहां पर उन्होंने गीत गोविंद का लेखन किया था। अभी देखिए ये संत लोग जो हैं, जीव गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी है, तो ठाकुर जी से बात करते थे, ठाकुर जी से दृष्टांत करते थे, उनका दर्शन भी करते थे, उनको सदैव ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन होता था। तो वैसे ही जयदेव जी को दर्शन होता था रोज, और जो देखते थे उसको ही लिखते थे काव्य के रूप में। दर्शन कर रहे, एक दिन क्या कर रहे दर्शन के, राधा रानी रूठी हुई है, कृष्ण भगवान मना रहे हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि कृष्ण बरसाने में आकर राधा रानी की कृपा और अनुग्रह और प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते, ये बताने के लिए आपको एक कथा बता रहा हूं। तो दर्शन में जयदेव गोस्वामी को दिखाई पड़ रहा है कि राधा रानी रूठी हुई है और कृष्ण उसको मना रहे हैं, तो मनाने के चक्र में पहले उनके सामने झुक जाते हैं, फिर भी वो मानती नहीं है, मतलब प्रणाम करते हैं नहीं मानती है। फिर वो अपना मोर मुकुट, जो उनका एक आदर का स्थिति है ना, वो उनका एक अभिमान है, वो मोर मुकुट, कोई भी मुकुट उतारना मतलब बड़े नम्रता की शरणागति की बात है, तो मुकुट उतार के राधा रानी के श्री चरणों में अर्पण करते हैं कि भाई देखो हमारा मुकुट आपके चरणों में धर दिया, हम आपके सेवक बन गए, फिर भी मन मान नहीं रही है वो। फिर क्या करते हैं, फिर वो मुकुट तो उतार के चरणों में रख ही दिया है, लेकिन वो सर भी पूरा चरणों में झुका देते हैं, मतलब चरणों को स्पर्श करते हैं सर का, अभी मान जाओ, फिर भी नहीं मानते। फिर उनके चरणों की धूल लेकर चरणों सर पे लगाते हैं, फिर भी नहीं मानती। फिर कृष्ण रोते हैं और रोके रोके जो अश्रु प्रवाह हो रहा है उस अश्रु प्रवाह से चरण धोते उनके, फिर भी नहीं मानते। कितने काम किए देखो आप। वो फिर उसके बाद में चरणों में लोटपोट हो जाते हैं। अभी ये सब देख रहे हैं जयदेव जी महाराज, उनको ना लिखा नहीं जा रहा है, बोले अरे भगवान मेरे क्या कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो ना उनका दिमाग जो है ना वो थक गया बेचारा, तो वो बोले
पद्मावती को बोले, पद्मावती तुम जरा खाना बनाओ, मैं जरा अभी दिमाग से परेशान हो गया हूँ, मैं जरा स्नान करके आता हूँ गंगा जी से। तो चंपावती में गंगा जी में स्नान करने गए और तुरंत लौट के आए और बोले, पद्मावती बहुत भूख लग रही है, बोले अभी खाना लगाती हूँ, दो मिनट दे दो। वो दो मिनट में पद्मा, वो तो जयदेव जी थे, वो अंदर जाते हैं जहाँ पर वो लेखन का काम करते हैं, लिखने का काम, वहाँ जाते हैं और फिर लौट के बाहर आते हैं और वहाँ पर बोलते भोजन खिला दो, तो पद्मावती उनको भोजन खिलाती है। बड़े प्रेम से भोजन खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, बड़े प्रेम से खाते हैं। और फिर कहते हैं, मैं अभी जाता हूँ, अभी दोबारा आता हूँ लौट के। और जाते ही तुरंत लौट के आते हैं और कह रहे हैं, पद्मावती जी बहुत भूख लग रही है, अरे खाना खिलाओ। तो बोले, अरे स्वामी आप तो अभी अभी खा के गए थे, मैं क्या बात कर रही हो, कब से मैं नदी किनारे बैठा हूँ, दिमाग मेरा परेशान हो गया है और मैं ठंडा करने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे दिमाग को, और फिर अभी थोड़ा सा अच्छा लगा है, लौट के आया हूँ तो भूख लग रही है, भोजन कराओ। मैं कभी आया यहाँ पर, मैं तो आया ही नहीं, मैं जब से गया हूँ तब से मैं लौट के आया ही नहीं। तो पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पति क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको, पति क्या ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर वो कहती है कि आप बताओ क्या क्या किया मैंने। तो पत्नी कहती है कि देखो आप आए जल्दी जल्दी में और मैंने कहा एक मिनट भोजन लगाती हूँ, तो आप रूम के अंदर चले गए और फिर क्या किया पता नहीं, अब दौड़ के आए फिर मैंने भोजन खिलाया आपको। तो ये दौड़ के रूम के अंदर गए देखने के लिए अंदर क्या हुआ। तो क्या देखते हैं, जो श्लोक उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था कि कृष्ण भगवान राधा रानी के चरणों में अपने सर को झुकाकर चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, ये श्लोक जयदेव जी के हस्ताक्षर से अलग सुंदर हस्ताक्षर में, मोतियों जैसे हस्ताक्षर में पूर्ण कर दिया गया था, जो जयदेव जी लिख नहीं पा रहे थे। इसका मतलब स्वयं भगवान ने आकर ये खुद लिखा, जी हाँ मैं राधा रानी के चरणों में झुकता हूं, मैं मेरा मुकुट चरणों में रखता हूं, मैं मेरे नेत्रों के अश्रुओं से उनके चरणों को धोता हूं, मैं उनके चरणों में लोटपोट हो जाता हूं, ये सब सत्य है, इसमें आपको लिखने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आपको संकोच हुआ, मैंने आकर खुद लिख लिया और बता दिया कि भाई मैं ये करता हूं सब कुछ। मतलब भगवान इतने नम्र है ना, उनको संकोच नहीं है कि मैं इतना बड़ा वैकुंठेश्वर, गोलोकेश्वर, श्री कृष्ण भगवान, ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, और मैं यहाँ पर आकर एक गोपी के चरणों में अपने आप को झुका देता हूँ, ये उनको बताने में कोई शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं है। तो ये एक बरसाने का गौरव है, राधा रानी कौन है ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको एक कहानी बताई। ये जयदेव जी के गीत गोविंद में इस लीला का सुंदर वर्णन है और उसके कुछ श्लोक स्वयं कृष्ण भगवान ने लिखे हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये है श्री राधा का नाम, पिछला स्लाइड दिखा रहा, ये है श्री राधा का नाम, ये सबसे बड़ा अलंकार है और ये सबसे बड़ा विग्रह है और इसका श्रृंगार किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये है वो बाबा जिनका नाम था राशेश्वरी दास, इनको राधे बाबा भी लिख के बोलते थे, इनको कीर्तनीय बाबा भी बोलते थे। इन्होंने पूरे ब्रज में सभी दीवालों पर, सभी पेड़ों पर श्री राधा का नाम लिखा है और राधा के नाम को ही वो डीटी मानते थे, विग्रह मानते थे, और उसी का रंगों के माध्यम से श्रृंगार करते थे। घंटों घंटों बैठकर एक नाम लिखा करते थे, इतना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने पूरे ब्रज में बनाए हैं। अभी पिछले साल में उनका देहांत हो गया और वो हमारे बरसाने के अस्पताल में भी आते थे और वहाँ पर भी उन्होंने कीर्तन किया है। हमारे भक्ति वेदांत अस्पताल मुंबई में जो श्रीवास ठाकुर प्रभु हैं, इन्होंने भी उनको ब्रश और कुछ पेंट भेंट में दिए थे। और हमारी एक गुरु बहन है निकुंज बिहारी माता जी, उनके घर में भी उन्होंने माधुकरी पाई है, तो हमारा उनका बहुत विशेष संबंध रहा है। अभी तो उनके जाने के पश्चात तो अपने अपने जरूरत के अनुसार सब लोग पेंटिंग करते हैं, अपने दीवार पर व्हाइट वॉश कर देते हैं, तो इन्होंने लिखे हुए नाम सब मिट जा रहे हैं, लेकिन हमने प्रयत्न पूर्वक भक्ति वेदांत ऑस्पिस के दीवार पर पेंट किए हुए नाम बहुत संभाल के रखे, क्योंकि अभी उनके जैसा नाम लिखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। उनके एक शिष्य हैं, वो अभी नाम लिख रहे हैं राधा रानी का, लेकिन वो बात नहीं है जो
राधे बाबा के लिखने में थी। तो हम राधे बाबा को प्रणाम करते हैं कि ऐसे महान विभूति जिन्होंने पूरा जीवन हमारा जो है वो राधा रानी के नाम पत्ते पत्ते पर डाली डाली पर लिखने के लिए अपना जीवन उन्होंने खर्च किया। ऐसे महान संत को हम प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में जाइए, ये दूसरा नाम है। देखिए पहले वाले में सफेद रंग था, इसमें दूसरे रंग है। ऐसे कई प्रकार के विचित्र रंगों का श्रृंगार करते थे वो राधा रानी के नाम का। श्री राधा, राधा कृष्ण, जय श्री राधे, ये सब लिखते थे। पूरा ब्रज में लिखा है उन्होंने। अभी धीरे धीरे उनके बाद मिट जाएगा वो, क्योंकि कलयुग है, लिखने वाला गया तो बाकी सब मिटा देंगे, उसको व्हाइट वॉश कर देंगे, पेंटिंग कर देंगे। तो राधा नाम को प्रणाम कीजिए। राधा नाम की महिमा कैसी है थोड़ी सुन लीजिए। राधा नाम बड़ा सुखदाई, राधा नाम बड़ा सुखदाई। इस राधा नाम का उच्चारण करते ही श्री कृष्ण भगवान पीछे पीछे दौड़ के आते हैं। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे, तू सिमरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। रा का उच्चारण करते ही सब कष्ट मिट जाते हैं। धा का उच्चारण करते ही धावत्यैव ससंभ्रमः, भ्रमित होकर कृष्ण भगवान उस भक्त के पीछे भागते हैं। धावत्यैव ससंभ्रमः, ससंभ्रमित होकर उस भक्त के पीछे भागते हैं जो राधा रानी का नाम उच्चारण कर रहा है। इसलिए हम हरे कृष्ण बोलते हैं, केवल कृष्ण नहीं बोलते हैं। हरे क्या है, ये हरा राधा रानी का और एक नाम है हरा। वो सबका हृदय, खास करके कृष्ण का हृदय चुरा लेती है। हरा, हरा शक्ति जो है वो साक्षात कृष्ण के हृदय को भी चुराने वाली शक्ति है। उसको हरे कहकर हम पुकारते हैं, राधे हरे। क्यों? क्योंकि वैसे तो कृष्ण का नाम पुकारेंगे तो कृष्ण आपको देखेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। राधे को पुकारेंगे तो देखेंगे भाई कौन राधा रानी को पुकार रहा है। तो आप राधे को पुकारेंगे, उनका ध्यान आकर्षित करेंगे, फिर उनको पुकारेंगे, फिर वो सुनेंगे। तो इसलिए ये हमारा ट्रिक है, हरे कृष्णा बोलेंगे तो जरूर आपको देखेंगे वो। एक बार एक मोर था, वो बरसाने गया, नंदगांव गया, और कृष्ण को बहुत पुकारा उसने, गोपाल, नंदलाल, नंदन नंदन, हे गिरधारी, हे गोविंदा। अरे कुछ फायदा नहीं हुआ, सब पुकार पुकार के थक गया, रोया बहुत बेचारा, निराश होकर लौट के आए तो किसी नंदगांव के ब्रजवासी ने कहा, भैया निराश मत हो जाओ, तुम राधा रानी के धाम में जाओ बरसाना में और उसको पुकारो, वो कुछ उपाय करेगी। तो गया बेचारा, तो मोर और उसने राधे राधे के टेर लगाए। तुरंत राधा रानी आई, गोद में लिया, प्रेम किया, रोने लगा मोर। तो राधा रानी ने कहा, भाई क्यों रो रहे हो? तो राधा रानी को मोर कहता है कि मैं नंदगांव गया था, बहुत पुकारा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए दुखी हूं मैं, कैसे उनको बुलाऊं मैं। तो फिर वो राधा रानी कहा, डोंट वरी, कुछ चिंता की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ, आप दोबारा नंदगांव जाओ और इस बार वहां जाकर ना कृष्णा नंदगा नंदलाला करके मत पुकारो, वहां जाके राधे राधे करके पुकारो। जाता है और राधे पुकारता है, रा और दे पुकारने के पहले ही कृष्ण भगवान भाग के आ जाते और मोर को गोद में लेते हैं। मोर तो आनंद से फूले नहीं समाता, आंखों से अश्रु बहते हैं, बोलते भैया भगवान कृपा हो गई आपकी आज। तो उसमें वो आनंद में उसके पंख झड़ने लगते हैं, तो उनका पंख उठा के भगवान सर पे लगाते हैं और तब से मोर पंख धारण करना शुरू किया उन्होंने। तो उनको पुकारेंगे तो वो आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। राधा रानी को पुकारेंगे, देखने आएंगे मेरी प्रियतमा को कौन पुकार रहा है। इसलिए हम हरे कृष्ण कहते हैं रोज, वो हरे पे जोर देना, वो जितना प्रेम से हरे को पुकारेंगे तो उस मेरी प्रिय राधा रानी को कौन पुकार रहा है, वो देखने के लिए पीछे पीछे भाग के आएंगे। तो राधा नाम को प्रणाम कीजिए, राधा नाम की महिमा बड़ी अगाध है, एक पूरा प्रवचन जाएगा उसके अंदर, उतना समय अपने पास नहीं है। तो प्रणाम करते हैं राधा रानी का। रघुनाथ दास गोस्वामी राधास्तव इस ग्रंथ में बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें एक में लिखा है कि राधा नाम यानी हरा नाम का उच्चारण करने से ऊपर कोई साधना नहीं है। कोई ऐसी साधना इस विश्व में नहीं है जो राधा नाम के जप से आगे है। सर्वश्रेष्ठ साधन जो है वो राधा रानी का नाम है। और सब लोग जप करते हैं भगवान के नाम का,
भगवान क्या करते हैं, वो भी साधना करते हैं। उनकी साधना क्या है, वो राधे राधे पुकारते हैं, मुख से राधे पुकारते हैं, हृदय के आंगन में राधा रानी का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, यही साधना है उनका। जो वो बैठ जाते हैं ना राधा रानी का नाम लेते हुए, तो पीले हो जाते हैं, स्वर्ण रंग के हो जाते हैं। हाँ, राधा का नाम उच्चारण, राधा का नाम का चिंतन, ये करने से कृष्ण भगवान नहीं रहते, कृष्ण भगवान राधा रानी बन जाते हैं, कृष्ण भगवान गौर वर्ण के बन जाते हैं, कृष्ण भगवान पागल हो जाते हैं, कृष्ण भगवान अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, कृष्ण भगवान राधामय बन जाते हैं। ये राधा नाम की महिमा है। जैसे राम का नाम लेकर सारे पत्थर तैर गए थे ना, और राम नाम की महिमा है, राम से भी बढ़कर है वो महिमा। वैसे राधा नाम को लेते हुए कृष्ण कृष्ण नहीं बचते, कृष्ण राधा बन जाते हैं। यही महिमा है राधा नाम की, इतनी शक्ति है उस नाम के अंदर। तो हम भी रोज पुकारते हैं हरे कृष्णा, रोज पुकारते रहिए, प्रेम से पुकारिए। हाँ, राधा रानी को पुकारिए, कृष्ण को पुकारने के हेतु प्रेम से पुकारिए, इसलिए ध्यान पूर्वक पुकारिए। क्या ब्रेकफास्ट में है, क्या लंच में, ये सोचकर नहीं पुकारना उनको, हृदय से पुकारना। फिर कृष्णा आपके पास ही आके पास आगे पीछे दौड़ते रहेंगे, राधा रानी के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वार पे दौड़ के आएंगे। हरे कृष्णा। अगला साइड दिखा दो, परंपरा वाणी। हाँ, ये राधा रानी का चित्रपट है, बड़ी दयालु राधा रानी है। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो, देखो और एक महिमा सुनो। ये राधा रानी केवल रहती नहीं वहां पर, कृष्ण की गुरु है वो। कृष्ण कहते हैं वो मुरली मनोहर है, बंसीधारी है। मुरली मनोहर की मुरली सुनकर दुनिया पागल हो जाती है, इतनी मुरली उनकी पावरफुल है। पत्थर पिघल जाते हैं, गाय पागल हो जाती है, चंद्रमा उल्टा घूमने लगता है, जमुना जी उल्टी घूमने लगती है। हाँ, इतने बड़े चमत्कार होते हैं, देखो आप। तो नाम तो बड़ा उनका है मुरलीधारी के रूप में, लेकिन मुरली सिखाई किसने? राधा रानी मुरली की गुरु है। देखो यमुना किनारे बैठे हैं नीचे विद्यार्थी की तरह, और राधा रानी क्या कहते हैं, क्लास ले रही है उनकी, मुरली की क्लास ले रही है, और उनको मुरली के तुन धान सुना रही है। ऐसा है तो राधा रानी उनको मुरली सिखाती है, राधा रानी उनको डांस सिखाती है, राधा रानी उनकी गुरु है, वो उनको अपने आप को राधा रानी का शिष्य मानते हैं। तो ये सब राधा रानी की महिमा है, अगाध महिमा है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड देखो। अभी भी क्लास चल रहे हैं, ऐसे ही क्लास है ना। कृष्ण भगवान बड़े होशियार हैं, उनको कुछ चीज सीखने में टाइम लगता नहीं। अरे सांदीपनि मुनि के आश्रम में ना 64 विद्याएं केवल 64 दिन में सीख लिया उन्होंने, बहुत झट से। 12 साल का काम 64 डेज में कर दिया पूरा, 2 महीना 4 दिन में खत्म, जो 12 साल लगते हैं बाकी लोगों। तो बड़े बुद्धिमान है वो, कोई भी चीज पकड़ने में बहुत होशियार है। लेकिन यहां पर ना बहुत लंबा क्लास चलता है, कारण क्या है उसका? क्योंकि बहुत बड़े बुद्धिमान कृष्ण जो है वो जानबूझकर मुझे कुछ समझा ही नहीं ऐसा बहाना बनाते हैं। तो बार बार राधा रानी वही सिखाती है। क्यों ऐसा करते हैं? अगर क्लास लंबा चलेगा ना उतना समय ज्यादा सान्निध्य में रह सकते हैं, सहवास मिल सकता है। अभी जल्दी जल्दी में अगर सिखाना शुरू कर दिया तो जल्दी क्लास खत्म होगा, तो संग कैसे मिलेगा राधा रानी का? इसलिए वो लंबा क्लास चलते। हरे कृष्णा। परंपरा वाणी कहां पर हो? पीछे चले जाओ, पीछे, बस वही दिखाओ, अगला स्लाइड। हाँ, तो इसलिए बहुत देर क्लास चलने के बाद में क्या होता है, राधा रानी को समझ में आता है कि ये चालाकी कर रहा है। सब कुछ तो पतो चल गो है, फिर भी मान ना रहो है, ऐसे बता रहो है कि जो समझ में ना आयो। तो फिर वो नाराज हो जाती है, रूठ जाती है। तो डांस सिखाते हैं तो वही प्रॉब्लम है, हर बार गलत स्टेप डालता है, बार बार सिखाती है बेचारी भोली भाली, भोली गोपी राधे राधे। और फिर क्या करते हैं, फिर उसको बहुत देर के बाद भोली राधा रानी को समझ में आता है, अरे या को सब कछु जाने लेकिन ढोंग करे मेरे साथ, तो फिर गुस्सा हो जाती है। ऐसा है। अगले साइड दिखाओ,
ये राधा रानी के बरसाने का मैप है। हाँ देखो, सबसे ऊपर भानुगढ़ है बरसाने का, ब्रह्मा जी पत्थर बने ना, पर्वत बने, तो एक एक जो पत्थर का शिखर है ना पर्वत का, उसका नाम है भानुगढ़। उसके बाद में दूसरा शिखर जो है वो जयपुर वाला मंदिर का है, दानगढ़। उसके बाद है बिलासगढ़, वो इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा शायद, और उसके आगे है मानगढ़। अगला साइड दिखाऊं तो देखिए ये दूर से ही, अभी जरा दिखाते जाओ धीरे धीरे, ये चारों पर्वत दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो ये मोरकुटी है सामने आपके लेफ्ट साइड में, हाँ इतना फास्ट नहीं जाने का, थोड़ा थोड़ा। फिर लेफ्ट में जयपुर का मंदिर दानगढ़ का है, बीच में मोरकुटी दिखाई पड़ रही है, एकदम आगे विलासगढ़ दिखाई पड़ रहा है, उसके एकदम आगे मानगढ़ दिखाया। नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ, देखो अभी सामने आपको दिखा रहा हूँ क्लोजअप में, ये मोरकुटी है, उसके पीछे जो सफेद रंग की बिल्डिंग है वो विलासगढ़ है। नेक्स्ट दिखाओ, देखो और नेक्स्ट दिखाओ, ये देखिए अब एकदम क्लोजअप हो गया, इसके पीछे वाला बिल्डिंग जो है विलासगढ़, सामने वाला बिल्डिंग मोरकुटी। नेक्स्ट, और ये है अब तक के सारे फोटो यहां पर खड़े होकर निकाले थे, और ये है भानुगढ़, ये राधा रानी का घर है। इस घर में वो अपने पिताजी वृषभानु महाराज और माताजी कीर्ति मैया, बड़े भैया श्रीदामा जी, छोटी बहन अनंग मंजरी बहन जी, उनके साथ ये पांच लोग रहते सब लोग। अभी इस घर में जहां पर वो महल था उनका, अभी उनका मंदिर बन गया है, इसको भानुगढ़ कहते हैं। भानु महल भानुगढ़ के ऊपर है, यहाँ पर राधा रानी अपने परिवार के साथ निरंतर निवास करती है। बोलो राधा रानी की जय हो। नेक्स्ट स्लाइड, अभी हमको आपको हम चार पहाड़ एकदम पास में से दिखाएंगे। सबसे पहला यह है भानुगढ़, दूसरा दिखाइए, यह है दानगढ़ का मंदिर, जयपुर का मंदिर राधा कुशल बिहारी जी का। तीसरा दिखाइए, यह है विलासगढ़, तीसरा सर, तीसरा पर्वत। चौथा दिखाइए, यह है मानगढ़, यहां पर राधा मान बिहारी लाल विहार करते हैं। नेक्स्ट दिखाइए, यह है मोरकुटी, ये ब्रह्मा जी के चार सर में नहीं आते, ये चार जो है वो मैंने बता दिया आपको, ये बीच में और एक चोटी है जिसको कहते हैं मोरकुटी। अगले स्लाइड दिखाइए, देखिए राधा रानी के मंदिर का सूर्यास्त के समय दर्शन कर लीजिए, इतना सुंदर दर्शन है। अगला दिखाइए, वापस दिखाइए अगला वाला, हाँ नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट, हाँ ये है बरसाना धाम। बोलो बरसाना धाम की जय हो। श्री बरसानो धाम जय जय श्री राधे, श्री बरसानो धाम जय जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय श्री राधे। देखो ये गांव है बरसाना, एक बड़ा सा कमल है, उसके बीच का हिस्सा जो है वो बरसाना है राधा रानी का। उस कमल के अनंत पंखुड़ियां हैं, उसके पहले आठ पंखुड़ियां जो हैं वो आठ गांव हैं, जिसमें ललिता विशाखा आदि आठ सखियां रहती हैं। ललिता विशाखा आदि उनकी परम प्रिय सखियां हैं, जो एक एक गाँव में, ऊंचा गाँव में ललिता देवी, सुनेरा गांव में सुदेवी, हाँ ऐसे अलग अलग डबारा गांव में रंग देवी, अलग अलग गोपियां अपने अपने गांव में निवास करती हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूरा क्षेत्र है बरसाना और आठ गांवों का, कौन जन्म लेता है यहाँ पर, कौन क्वालिफाइड है यहाँ पर रहने के लिए? यहाँ पर रहने के लिए वो जीव क्वालिफाइड है, वो जीव योग्य है जो राधा रानी को प्रिय है, राधा रानी की सेवा कर चुके हैं, राधा रानी के भक्तों की सेवा कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, राधा रानी के प्रियजनों की जो सेवा करता है वो यहां पर जन्म लेता है। और यहां पर जन्म लेने का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि दोबारा जन्म नहीं लेना है, नहीं मिलेगा, यहीं से जाना है भगवत धाम। और यहां पर रह के अगर कोई अपराध कर लिया तो दोबारा यहीं जन्म लेना है, कुत्ता बिल्ली बंदर सुअर बनकर भी आना यही है। एक बार यहां जन्म लिया, दोबारा और कहीं जन्म नहीं होता है, दोबारा जन्म होना है तो भी यही होगा और यहीं से गौलोक धाम जाएंगे, ये महिमा है। इसलिए बरसाना में जो जीव रहते हैं राधा रानी के बड़े विशेष प्रिय जीव रहते हैं, जीवन मुक्त रहते हैं वो आखिरी जीवन। तो दूर से आप इस बरसाना धाम के घरों को प्रणाम कीजिए,
जिनमें ऐसे प्रिय लोग रहते हैं, यहाँ पर जन्म लेते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ पर सेवा करते हैं श्री जी की, रोम रोम में श्री जी की याद बसी हुई है। मुझे अभी याद आ रही है कहानी, हमारा ना बरसाना में 28 साल से आई कैंप चलता है, और वो आई कैंप में हम लोग 28 साल से वहाँ पर लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। अभी हमने वहाँ पर 5 एकड़ का जमीन भी लिया है, यहाँ पर अस्पताल बनाने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो हम लोग यहाँ के ही बेचारे लोगों को नेत्रों का ऑपरेशन करते हैं फ्री में। तो ऐसे ही एक कैंप में हम लोग ना रात में, हमारे व्यवस्थापन लोग मेरे साथ सब लोग राउंड लेने गए थे वार्ड में कि देखो सब मरीज स्वस्थ तो हैं, ऑपरेशन के बाद परेशान तो नहीं है। तो हम गए थे तो रात का एक बज रहा था, तो सब लोग रजाई ओढ़कर, ठंड का समय था, ओढ़कर सो रहे थे। तो जोर जोर से राधे राधे ऐसे कुछ बिस्तर से आवाज आ रही थी। तो हमने जाकर देखा, शायद ऑपरेशन के बाद में पीड़ा होगी, शायद सर दुखता होगा, उल्टी होती होगी, पता नहीं। तो हम लोग देखने गए बिस्तर के पास। तो बिस्तर के पास देखने गए तो हमने वो कम उनका जो रजाई था ना उसको थोड़ा उठाया, तो रजाई के अंदर ऑपरेशन किया हुआ मरीज बैंडेज लगाकर पूरा गहरा नींद सो रहा है, और गहरी नींद के अंदर राधे राधे पुकार रहा है। अगले वाले के पास गए, उसका भी रजाई उठाया तो वो भी गहरी नींद सो रहा है, राधे राधे नींद में पुकार रहा है। आप सोच सकते हैं, अरे हम लोग तो जगे हुए जप करते वक्त सोते हैं, और ये लोग सो रहे हैं तो नींद में जप कर रहे हैं। कितना फर्क है, कहाँ तक हमको जाना है, हमारी मंजिल बहुत दूर है अभी। हम लोगों को जप में भी बार बार कोई चिमटा निकाल के, कभी कुछ टक टक करके उठाना पड़ता है। भाई उठो, जप का समय है, रात भर सोकर उठे हो सुबह अभी, फिर भी सो रहे हो, और यहाँ के लोग जो है वो गहरी नींद सो रहे हैं और राधा रानी का नाम जप कर रहे हैं। ये महिमा है इन लोगों की, इसलिए इनकी सेवा करना, यानी गुरु महाराज बताते हैं कि इनकी सेवा करना यानी राधा कृष्ण को प्रसन्न करना है। ये लोग अभी आशीर्वाद देंगे ना आपको, सेवा करने के बाद नेत्र दृष्टि मिल गई उनको, तो स्वयं राधा रानी आपको आशीर्वाद दे रही है, ऐसे गुरु जी बताते हैं। इनको प्रसन्न करो, इनको प्रसन्न करो तो राधा रानी आपको आशीर्वाद देंगी उनके माध्यम से, और इनकी सेवा हो गई, प्रसन्न हो गए, उसी दिन राधा रानी आपकी सिफारिश कृष्ण भगवान से करेंगी, ये वादा है उनका। इसलिए हम लोग वहां पर 28 साल से जा रहे हैं, और आगे अस्पताल बनाने का है उधर। कारण क्या है, हमने तो खूब सेवा कर लिया दिल भर के, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को भी सेवा करने का मौका मिलना चाहिए ना, हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए जहां पर वो जाके सेवा करते रहेंगे, ब्रजवासियों को आशीर्वाद लेते रहेंगे, जीवन को धन्य करते रहेंगे, होना चाहिए कि नहीं। इसलिए वहां पर वो अस्पताल बनाने का हमारा प्लान है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। तभी हम थोड़ा प्रणाम करते हैं। ओम क्लौं वृषभानुपूर अधिवनपतये राधा कृष्णाय स्वधाहा, राधाय सम्मितं कृष्णं ब्रह्म पर्वत संस्थितं, वंदे प्रदक्षिणा सांग राधा रानी नमोस्तुते। ये वृषभानु का, वृषभानुपूर यानी बरसाना धाम का प्रणाम मंत्र है, और इसे प्रणाम करके हम आगे चलेंगे। अभी अगला दिखाइए स्लाइड। देखिए अभी ना आपको मैंने बताया कि ब्रह्मा जी ने वहां पर 120,000 साल तपस्या किया है। अभी सोचने वाली बात क्या है, दुनिया में तपस्या लोग सब करते हैं, बहुत तक तपस्या किया है। एक स्तर से उसके ऊंचे स्तर पर जाने के लिए तपस्या की जाती है। तपस्या कभी भी आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, प्रगति करने के लिए की जाती है। तपस्या कभी भी ऊंचे पद से नीचे उतरने के लिए नहीं करते हम लोग। अभी MBBS हो गया तो और एक तपस्या करते हैं, और एक एग्जाम देते हैं। क्यों? को MD करना है, MD हो गया और एक एग्जाम देते हैं तपस्या, क्योंकि आगे का सुपर स्पेशलाइजेशन करना है। तो हर एक कष्ट, हर एक पीड़ा, हर एक तपस्या क्यों करते हैं हम लोग आगे बढ़ने के लिए करते हैं, पीछे आने के लिए नहीं करते। लेकिन ये ऐसे ब्रह्मा जी एक ही जीव है, उनके साथ में और एक जीव है उद्धव, ये दोनों सर्वोच्च पद पर थे भक्ति के। भगवान के सबसे पहले पुत्र जो है वो ब्रह्मा जी है, भगवान के सबसे निकट के जो भक्त हैं वो उद्धव जी हैं। लेकिन दोनों इतने भगवान के विषय में इतने उच्च स्थान पर होने के बाद भी वो सभी लोग, दोनों लोग, हाँ, इन्होंने तपस्या किया क्या करने के लिए? ये ब्रह्मा जी ने सर्वोच्च पद से पत्थर बनने के लिए तपस्या किया, उद्धव जी ने सबसे ऊंचे पद से तृण का पत्ता बनने के लिए तपस्या किया। देखो
ऐसा अधोगति वाला तपस्या किसी ने नहीं किया है, ये हमारे दोनों लोगों ने किया, बस ब्रह्मा जी और हमारे उद्धव जी महाराज। आज भी उद्धव जी महाराज कुसुम सरोवर के पास में तृण का पत्ता बनकर चिरंतन निवास कर रहे हैं, और आज भी हमारे ब्रह्मा जी महाराज हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, सबसे पहले भगवान के जीव हैं, बिना माता के जन्म हो गया, स्वयंभू उनको कहते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड के प्रथम नागरिक हैं, वो सबके परम 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 पितामह है, वो इतने बड़े महान व्यक्ति है, वो इतना बड़ा काम दिया ब्रह्मा भगवान ने उनको, इतना विश्वास उन पर रखा है कि ये सृष्टि का निर्माण करेंगे, चार मुख वाले चार दिशा वाले ब्रह्मांड में सेवा करते हैं ये, तो इनको पहला वंदन करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि राजा रानी का महल तो पहाड़ के ऊपर है, और पहाड़ मतलब क्या है, इनका सर है, ये उधर दर्शन करना है, इन पे सर पर पाँव रखा जाना होगा ना, कैसे जाएंगे हमारे आचार्य हमारे गुरु जी के सर पे पाँव रखेंगे क्या, वो तो हमारे गुरु जी हैं, हमारे गुरु जी के गुरु जी, गुरु जी के गुरु जी, आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, सबसे लास्ट में ब्रह्मा जी आते हैं, उसके बाद में कृष्ण आते हैं, प्रथम आचार्य हमारे संप्रदाय के हैं, हिम्मत है क्या आपकी उनके सर पर पाँव रखने की? लेकिन उनके ऊपर ही पर्वत है, उधर ही ऊपर भगवान का राधा रानी का मंदिर है, तो चढ़ना तो पड़ेगा ही, इसलिए सबसे पहले हम आगे स्लाइड दिखाई, हाँ सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, एक भी सीढ़ी पर चढ़ने के पहले, हे ब्रह्मा जी माफ करना, हम आपके ऊपर चढ़ने वाले हैं, हम आपको वादा करते हैं राधा रानी के दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए आगे जाएंगे हम, कोई ऊपर जाकर इंद्रिय भोग नहीं करेंगे, कोई लस्सी नहीं पियेंगे, पकौड़ा नहीं खाएंगे, ऊपर जाकर और सब कुछ मिलता है ऊपर, हम लोग नहीं खाएंगे उसको, क्यों? क्योंकि इंद्रियों का भोग करने के लिए हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, प्यास लगे तो जल पियेंगे लेकिन लस्सी नहीं पियेंगे, क्योंकि हमारा एक तो पाप हम कर रहे हैं आपके सर पे पांव रख के जा रहे हैं, इसलिए इतना तो वादा करना जरूरी है कि हम आपकी सेवा करने के लिए राधा रानी की और दर्शन करने करने मात्र के लिए जा रहे हैं, और एक नम्र बनकर एक तृण से भी अधिक नम्र बने ऐसी कामना कर रहे हैं, जैसे आप देखो इतने बड़े होने पर भी पत्थर बने, हम भी प्रार्थना करते हैं हम भी नम्र बने, और हमारा सारा बड़ा अहंकार है, हम डॉक्टर हैं, ये फलाना है, इधर अधिकारी हैं, ये सब टोपियां उतार के जाएंगे हम, कोई नहीं हम, हाँ ममय वांछो जीवलोके जीवभूत सनातन, बस आपके आपके चरणों के दास हैं हम, भगवान के अंश हैं हम, कुछ नहीं और हम, बाकी सब झूठ है, हम केवल एक ही याद रख के जा रहे हैं कि हम आपके सेवक हैं या हाँ, और आप हमें मदद करना हमारे गर्व को उतारने के लिए, हम तो बड़े गर्विष्ठ हैं, बड़े अहंकारी व्यक्ति हैं, आप जरा मदद करना हमको, ऐसे प्रार्थना करेंगे ब्रह्मा जी से, और पहले सीढ़ी चढ़ते के चढ़ने के समय ही उनके चरणों को उधर हाथ लगाएंगे ऐसे, महाराज जी ब्रह्मा जी महाराज माफ कीजिए हमको, हम आप पर चढ़ के अभी ऊपर जाएंगे, कृपा करके हमको क्षमा करना और हमारी प्रार्थना स्वीकार करना, आशीर्वाद देना, अगली साइड दिखाना, अभी हम चढ़ के ऊपर आ गए है ना, और वो जो ब्रह्मा जी का मूर्ति दिखाया ना वो भी इधर ऊपर है, इसके पहले है, एक बार जरा दिखाएंगे ब्रह्मा जी का मूर्ति, देखिए ये नहीं पीछे जाओ पीछे, हाँ इनको वंदन कीजिए, ये मूर्ति है ना ऊपर है, सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर मिलेगी, पहले आपको इनका दर्शन होगा, इनको प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए इनका, इनके नीचे राधा रानी के चरण चिन्ह का दर्शन है वो भी लीजिए, इनके पहले कामधेनु का दर्शन है वो भी कीजिए, अभी आगे जाइए, अभी आगे जाएंगे तो आप राधा रानी के मंदिर के नीचे वाले सर पे पहुंच गए, क्योंकि तो आपके सामने यहाँ पर ना एक संगे मरवर का मंदिर है, ऊपर राधा रानी का मंदिर है, नीचे देखो ये व्हाइट रंग का मंदिर है ना, अगले नेक्स्ट साइड दिखाई, देखिए पास में से एकदम, हाँ ये रेड स्टैंड स्टैंड में नहीं बना हुआ है, पूरा मंदिर जो है लाल रंग के पत्थर में बना है, ये मार्बल में बना हुआ है, इसको कहते हैं छतरी, संगे मरवर की छतरी, ये मंदिर के अंदर राधा रानी साल में तीन बार आती है, और तीन बार कौन से दिन में आती है, पहला दिन है हरियाली तीज, दूसरा दिन है होली, और तीसरा दिन है राधा अष्टमी, ये तीन दिन के शाम के समय 4:30 के पास पास राधा रानी जो है वो स्वयं अपना निजी स्थान छोड़कर श्याम सुंदर के साथ में इस छतरी में विराजमान होती है, और इस छतरी में जब विराजमान होती है संध्या आरती के आसपास, तो हर हर दिन ऊपर
आदमी लोग यानी गोस्वामी लोग उनका पूजन करते हैं। लेकिन इस दिन जब वो नीचे आती हैं, जब इस जगह पर आती है तो पुरुष उनकी पूजा नहीं करते, गोस्वामी को जो कन्या है वो उनकी पूजा करती है। जब पुरुष लोग ऊपर पूजा करते हैं उसको आरती कहते हैं, आरती। और जब नीचे लड़कियां पूजन करती हैं तो उसको आरता कहते हैं। तो जब गोस्वामी की कन्याएं आरता करती हैं तो फिर उनको ऊपर ले जाते हैं, ऐसा इनका बहुत बड़ा महिमा है। सब लोग बड़े नजदीक से इनका दर्शन कर सकते हैं। जब ये तीन दिन में, वर्षाल में तीन दिन नीचे आती हैं, तो कहते हैं कि सभी प्रकार के लोग, जो जाति से ब्राह्मण भी नहीं हो, जाट हो या गुजर ही हो, वो सब प्रकार के लोग यहाँ पर आकर राधा रानी का पूजन कर सकते हैं जब वो नीचे आती हैं। तो इस बड़े पवित्र स्थान को आप प्रणाम कीजिए और राधा रानी का आशीर्वाद मांगिए। और उसके बाजू में आपको सीढ़ी दिखाई पड़ रही है ना, सीढ़ी देखो लोग चढ़ रहे हैं, वहां से अभी हम चढ़ेंगे। अगला दिखाओ स्लाइड, देखो यहाँ पर हम चढ़ेंगे अभी और वो दरवाजे से अंदर जाएंगे, फिर लेफ्ट टर्न लेंगे और अगला दिखाइए और आगे चढ़कर लेफ्ट टर्न लेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये राधा रानी के श्री मंदिर का जगमोहन मंडप है। इसके आगे और एक लेवल है, यहाँ पर लोग चढ़कर जाएंगे। देखो आगे जा, दिखाओ नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये सीढ़ियां जो है ना, वो चढ़ के अभी पीछे आ जाओ। देखिए ये जहाँ लोग खड़े हैं वो एक स्तर है, फिर सीढ़ियां ऊपर को ऊपर जाएंगे तो और एक स्तर है, उसके आगे राधा रानी है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ, नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। देखो राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय, जय जय। ये हमारे ठाकुर जी महाराज यहाँ पर सखी बनकर खड़े। देखो ये बड़ी चुंदरी ओढ़ी ना पीछे, ये कृष्ण के लिए है, और छोटी चुंदरी राधा रानी को ओढ़ के रखी हुई है। तो ये जुगल जोड़ी का दर्शन बहुत सुंदर है। यहाँ पर मेन मंदिर का दर्शन करने के लिए देवता लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं। कहते साल में 9 करोड़ लोग यहाँ पर आते हैं, राधा अष्टमी होली सब मिलकर। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि ये सभी चीजों में कुछ ही लोगों को सेवा मिलती है। 9 करोड़ आकर चले जाते हैं, दर्शन करते हैं, दान देते चले जाते हैं, लेकिन थोड़े लोगों को वहां पर सेवा मिलती है, बड़े भाग्यवान जीव है। अगला स्लाइड दिखा दो। देखो अभी ये बाहर आए हुए हैं, सिंहासन पर बैठे हुए हैं राधा रानी और श्याम सुंदर जी महाराज। नेक्स्ट दिखाओ, नेक्स्ट दिखा दो, नेक्स्ट। हाँ देख लो भैया, सब लोग देख लो, राधा रानी के विग्रह का चरण चिन्ह, चरणों का दर्शन मिल रहा है आपको। इस साल के राधाष्टमी का अभिषेक का चित्रपट है ये। देखो दही गिरा हुआ है पैर पे, पैर के ऊपर दही के बिंदु हैं, हाँ धोती पर भी बिंदु दही के दिख रहे हैं आपको। ये इस साल के राधा रानी के राधाष्टमी के अभिषेक का दर्शन है, इन चरणों का दर्शन करो। अरे मन याद करो, मन याद करो राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। देखो अगला साइड दिखा दो। देखो अभी मुख कमल को देखो राधा रानी के, वंदन करो, बहुत दुर्लभ दर्शन है ये। 35 साल के बाद में इतने चार जा रहे हैं, पहली बार दर्शन हुआ है, कोरोना के बीच में हुआ है, देखो कितने भाग्य की बात है। अगले साइड दिखाइए। नमः प्रियायै राधायै ब्रह्मणो वरदायिने सर्वे सर्वेष्ट फल रम्याय राधा कृष्णाय मूर्तये। राधा रानी के आगे खड़े होकर ये मूर्त को, मंत्र को जप करना है आपको। हे राधा रानी, आपने ब्रह्मा जी को वरदान दिया, हमारा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए, हमें भी वरदान दीजिए, सर्व फल सर्व प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर होती है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए, आरती लीजिए राधा रानी के मंदिर की। अगला स्लाइड दिखाइए, दूसरी बार आरती लीजिए, ले लो राधा रानी का दरबार में आइए आओ। हाँ राधा रानी के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, अरे बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। अगली स्लाइड दिखाओ, नेक्स्ट। हाँ देखिए अभी आप मंदिर से बाहर निकले और नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ, आगे जाएंगे तो ये स्थान पे आएंगे। ये स्थान क्या है, राधा रानी का विग्रह जो आपने देखा ना, वो कृष्ण के जो ग्रेट ग्रैंडसन है वज्रनाभ, उन्होंने बनाया था।
यथावकाश वो विग्रह जो है श्याम सुंदर जी का, राधा रानी का, वो लुप्त तो हो गया पहाड़ के नीचे। फिर 400 साल पहले नारद मुनि ने अवतार लिया ऊंचा गांव में, जिनका नाम है नारायण भट्ट गोस्वामी, और उन्होंने, उनके स्वप्न में राधा रानी आई और बताया, हाथ पकड़ के इस जगह पर ले आई, ये पेड़ के पास लेके आई और बोला कि इसके नीचे मैं हूं दबी हुई, मुझे इसको निकालो बाहर। तो नारायण भट्ट गोस्वामी ने इसी पेड़ के नीचे से आज जो राधा रानी के विग्रह आपको दिख रहे हैं उनको प्रकट कराया। प्रणाम करो इस पेड़ को आप, एक बड़ा कल्प वृक्ष है, इनके सारे वो मूर्ति वहां विराजमान थी, अपनी इच्छा से नारायण भट्ट गोस्वामी ने उनको प्रकट कराया है, प्रणाम करो इस जगह को। नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ, देखो लिखा है नारायण महाराज नारायण भट्ट गोस्वामी की तपस्या स्थली, यहां से उन्होंने राधा रानी को प्रकट किया। नेक्स्ट स्लाइड देखो, फिर आगे चलेंगे हम, फिर जयपुर के मंदिर में आएंगे। देखो दिखाइए, एक के बाद एक के बाद दिखाइए, मंदिर का नजारा देखिए, सौंदर्य देखिए, देखिए आगे बढ़ी, एक एक करके ध्यान से देखिए, थोड़ा धीरे धीरे आगे चलाइए और एक एक कला को देखिए, कैसा सुंदर मंदिर बनाया, देख बनाते जाइए दिखाते जाइए वन बाय वन। नेक्स्ट देखो कितना सुंदर महल बनाया, देखो दिखाओ, देखो कितना सुंदर काम किया, बहुत सुंदर महीन काम किया है, बहुत गर्म है। फिर देखो कितना बढ़िया रंग है, कितना सुंदर कला काम किया है। नेक्स्ट दिखाओ, देखो खिड़की कितनी बहुत बढ़िया बनाई है ना, यस दिखा दे जाओ। बस यहां रोको, अभी ये जो महाराज जी हैं सवाई माधो सिंह, इन्होंने इस मंदिर को बनाया। किस भाव से बनाया कि पुराना मंदिर जो है मानुगढ़, वो मंदिर पुराना हो गया था, तो सोचा कि दानगढ़ पे जगह है तो नया मंदिर बनाया जाए, तो इन्होंने बड़ी मेहनत से कई साल तक मेहनत करके ये मंदिर बनाया। अभी आप सोच सकते हैं ना, इतना डिजाइन बनाया उन्होंने, इतना हाथी पर लाद लाद कर पत्थर लाए, ऊपर उसको कोरियो काम किया, उसके ऊपर उसका डिजाइन बनाया उसके ऊपर, और बड़े सालों के बाद में मंदिर बना। ये विचार से कि राधा रानी को वो पुराने मंदिर से इस मंदिर में लेके आएंगे। अभी कल मंदिर खुलने वाला है, आज सब तैयारी हो गई है, सब कुछ रेडी है, तो इतना साल के बाद में मंदिर बनाने के बाद में कल राधा रानी आने वाली है, राधा रानी अपने मंदिर छोड़कर आने वाली है, ऐसा इनका प्लान है। उस रात को राधा रानी स्वप्न में आके कहती है कि वो मंदिर छोड़कर मैं नहीं आ सकती, वो मेरा निज धाम है, पिताजी का घर है, वही मेरा चिरंतन निवास है, मैं नहीं छोड़कर आ सकती। हम लोग होते तो कहते हैं पहले क्यों नहीं बताया, इतना साल मेहनत किया, अभी आप बोल रहे हो, अगर पहले बोलते तो मैं मंदिर बनाता नहीं। लेकिन उन्होंने मंदिर बनाया था किस लिए, राधा रानी के आनंद के लिए। स्वप्न में पता चला कि राधा रानी का आनंद वही रहने में है, तो वो ही मुझे चाहिए, आप जहां पर भी खुश हो वही मेरी खुशी है। ऐसा नहीं मैंने इतना मेहनत किया तो आपको यही आना होगा, महारानी पहले तो बोला नहीं आपने, आपने अभी मैंने बना दिया मंदिर, आपको आना ही होगा। नहीं, बनाया था आपके खुशी के लिए, और आपकी खुशी समझी कि उसी में है जहां रहना है आपको, तो मेरी खुशी भी आपको वही रखने में है। राधा रानी अपने मंदिर में रही, इन्होंने अपना विग्रह बनाया दूसरा राधा कुशल बिहारी और लगाया। क्या सीखना है हमको यहां से, सीखना यही है कि जो भी करना है उनके खुशी के लिए करना है, अपना स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए नहीं करना है। जितना भी मेहनत करेंगे ना कुछ व्यर्थ नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली समसिद्धिर हरि तोषणम, समसिद्धिर राधा तोषणम। राजा बड़ी शिक्षा दे रहे हमको, इतने मेहनत करने के बाद भी एक कण भी नहीं बताया उसने कि मुझे अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ, कुछ नहीं। राधा रानी ने अपना निर्णय लिया, इन्होंने भी उसको एग्री किया, राधा रानी की इच्छा को अपनी इच्छा माना, और ये सुंदर भव्य मंदिर बनाया। आज भी ये भव्य मंदिर हमको दिखाता है कि सेवा कैसे निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, सेवा कैसे केवल राधा कृष्ण के आनंद के लिए करना चाहिए, अपना खुद का स्वार्थ, खुद का एजेंडा नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ये इनको देखकर हम लोग सीखते हैं, इसलिए इनको प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर। ऐसा त्याग, ऐसा निस्वार्थ सेवा हमारे लिए आदर्श है। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो,
हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम निस्वार्थ रूप से आपकी सेवा करें, आपकी इच्छा ही हमारी इच्छा हो और आपकी इच्छा ही हमारा लक्ष्य बने जीवन का। ये प्रार्थना करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ो, देखिए आगे बढ़ेंगे तो ये स्थिति आती है। आगे बढ़ो तो ये हमको मंदिर मिलता है, हाँ, राधा रानी का दानगढ़ का मंदिर, दान बिहारी लाल की जय हो। आगे बढ़िए, देखिए ये झूला है, यहाँ झूला लीला, भगवान झूला खेलते हैं। आगे देखिए, ये भी नया बनाया है, फर्स्ट क्लास रेनोवेट किया उसको, उस झूले को। आगे बढ़िए, देखिए ये रास मंडल है, रास मंडल के ऊपर झूला है, मतलब यहाँ पर रास लीला भी भगवान करते हैं। इसके लेफ्ट साइड में रास में ललिता को प्यास लगी थी, तो भगवान ने पत्थर में से अपने मुरली से कुआं खोदकर राधा रानी को मीठा पानी पिलाया था, उसका नाम है ललिता कुप। आगे देखिए, यह है राधा दान बिहारी का दर्शन। यहां पर दान भगवान मांगते हैं, दान लीलाएं होती हैं, इसलिए नाम गढ़ा है दानगढ़। और यहां पर भगवान प्रेम का, रति का, स्नेह का दान मांगते हैं। यहां पर भगवान ने एक ब्राह्मण को राधा रानी के सभी अलंकारों का दान दिया था, राधा रानी के वजन के सारे अलंकार उन्होंने उस ब्राह्मण को दान दिए थे जो उनको भिक्षा मांगने के लिए आया था। तो उन्होंने राधा रानी का वजन किया था और सभी सखियों ने अपने अलंकार डाले थे, फिर भी वो इक्वल नहीं हुआ, तो तुलसी पत्र रखा तो इक्वल हुआ, फिर सारे गहने उतार कर ब्राह्मण को दान दिए थे। ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर दानगढ़ की लीलाएं हैं, दान की लीला है, रास लीला है और झूला लीला है। इसको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हम, यहाँ पर क्या प्रार्थना करेंगे दानगढ़ में, कि मैं यहाँ पर हम प्रेम और सेवा की भिक्षा मांगते हैं। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमें कभी भी कृष्ण के लिए धन मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लोग अभी लोगों से दान मांग रहे हैं, क्यों, हमने जगह लिया है 5 एकड़ का, वहां पर हमको राधा रानी का अस्पताल बनाना है, सबको संकोच नहीं करना चाहिए मांगने के लिए। हाँ, खुद के लिए नहीं मांग रहे हैं, कृष्ण की सेवा के लिए दान मांगने के लिए कभी संकोच नहीं होना चाहिए। और क्या प्रार्थना करेंगे, आपकी दान लीलाएं हमारे हृदय में सदा स्फुरित रहे, सदा हमको याद आती रहे, हमारे हृदय के आंगन में वो लीलाओं का दर्शन होता रहे, ऐसी हम प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ, देखो आगे बढ़ेंगे तो ये रास्ता है, पर्वत के ऊपर बना हुआ है, आगे चलते जाइए। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, हम पहुंचेंगे विलासगढ़ में। वैसे हम पहुंच नहीं पाते वहां पर, वो दूसरा पर्वत है, हम तभी दानगढ़ से हम चल रहे हैं, तो दानगढ़ के रास्ते में से हमको विलासगढ़ का दर्शन होता है। तो देखिए यहाँ पर ये विलासगढ़ है, यहाँ पर अभी अभी रास्ता बना हुआ है, लेकिन पगडंडी नहीं है, पैदल जाने का रास्ता नहीं है। नाम से पता चलता है कि ये विलासगढ़, यानी भगवान यहाँ विलास लीला करते हैं, राधा विलास बिहारी। आगे जाइए, देखो रास मंडल है ये, आगे जाइए, ये बड़ा रास मंडल आएगा। देखो यहाँ पर भी रास लीला करते हैं, झूला खेलते हैं। यहाँ पर एक बार राधा रानी रानी बनी थी, दरबार बनाया गया था, ललिता देवी मंत्री बनी थी, विशाखा देवी ने चमर ढुलाया था और राधा रानी को रानी बनाया, तो एक चोर को पकड़ के लेके आए थे। वो चोर कौन है आपको पता ही है, उस चोर का मुकदमा चलाया गया था, फिर राधा रानी ने दया से उस चोर को छोड़ दिया था। ये लीला भी यहाँ पर हुई है, लेकिन खास रूप से झूला लीला, रास लीला, प्रेम लीला, हास्य परिहास लीला, परस्पर श्रृंगार लीला, ये सब लीलाएं विलासगढ़ में संपन्न होती है। तो हम विलासगढ़ को, एक और नाम है विष्णु पर्वत, क्योंकि विलासगढ़ जो है थोड़ा गहरे रंग का है, बाकी 3 पर्वत जो है वो लाइट रंग के हैं, उनको राधा पर्वत कहा गया है। विलासगढ़ को विष्णु पर्वत कहा गया है, और विष्णु पर्वत और दानगढ़ के बीच में जो रास्ता बनता है उसको साखरी कोर कहते हैं। आगे देखिए, विलास रूपिणे तुभ्यम नम कृष्ण यते नम सखी वर्ग सुप्ताय क्रीड़ा विमल दर्शिने। हे विलासगढ़, आप राधा कृष्ण को बड़ा आनंद देते हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। आगे बढ़िए, फिर आगे चलते हैं और आगे बढ़िए, फिर देखो हम आगे बढ़िए,
हाँ फिर हम मान मंदिर के नीचे आते हैं, ये मान मंदिर की सीढ़ियां हैं, आगे बढ़िए, ये चौथा गढ़ है। हाँ देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़िए 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 चढ़ के जाएंगे राधा मान बिहारी के महल में, आगे बढ़िए प्रवेश द्वार के पास में आएंगे, अंदर चले जाएंगे और दर्शन करेंगे राधा मान बिहारी लाल का। राधा मान बिहारी लाल की जय हो। ये जो गढ़ है ना मानगढ़, ये बहुत कठिन है चीज। हाँ यहाँ पर जो लीला चलती है ना वो समझना मुश्किल है जरा। मैंने आपको पहले ही लीला बता दिया जयदेव गोस्वामी के बहाने कि क्या क्या चलता है यहाँ पर। अरे परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान, जिनके इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, इतने बड़े नियंत्रक है वो, इतने बड़े कंट्रोलर है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते। ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण जो है ना यहाँ पर आकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, राधा रानी मान करती है उनको मनाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। बहुत सुंदर लीला यहाँ पर, राधा रानी को क्रोध आया था, मान किया था उन्होंने, उनको रिझाने के लिए भगवान कृष्ण मोर बने थे, कई बार मोर बने हैं, कई प्रकार के मोर बने हैं, मोर का भेष बनाया है, खुद मोर बन के आए हैं, कई बार नृत्य किया है। हाँ और थोड़ा सा मान के विषय में चर्चा करेंगे। मान जो है ना वो हमारा होता है क्रोध, राधा रानी करती है मान, हमारा क्रोध स्वार्थ के ऊपर आधारित होता है, राधा रानी का मान कृष्ण के आनंद में आधारित होता है। कृष्ण का आनंद और सुख बढ़ाने के लिए राधा रानी मान करती है, रूठ जाती है, उसको मनाने में प्रेम की वृद्धि होती है, इसलिए कोई स्वार्थ के हेतु राधा रानी मान नहीं करती है, कृष्ण को रिझाने के लिए करती है। यहाँ पर एक शिला है अंदर जहाँ पर राधा रानी रूठ जाती है, रूठ कर बैठ जाती है, फिर ललिता कृष्ण विशाखा सब लोग मिलकर कृष्ण के साथ उनको मनाने का प्रयास करते हैं, फिर नहीं मानती है, फिर कृष्ण मोर बन जाते हैं, मोर बनकर नाचते हैं। हाँ आगे दिखाइए। और फिर वो कृष्ण राधा रानी मान छोड़ देती है, तो प्रणाम करते हैं मान मंदिर को। देवगंधर्व रम्याय राधा मान विधायिने मान मंदिर संज्ञाय नमस्ते रत्न भूमये। राधा रानी ने यहाँ पर मान लीला किया, देवगंधर्व भी यहाँ पर आकर अपने आप को सुख पाते हैं और इसलिए नाम पड़ा है मान मंदिर, इसको रत्न भूमि भी कहा गया है, रत्नों से भरी भूमि है, राधा रानी के मान के ऐश्वर्य से संपृक्त है और यहाँ की लीला बड़ी उत्कट है। कृष्ण भगवान भी यहाँ पर बड़े अजित लीला करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो, देखिए उनको रिझाने के लिए कभी सखी बनते हैं, कभी चरणों में गिर जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं? अलग अलग रूप लेकर आते हैं उनको मनाने। देखो राधा रानी को मनाया जा रहा है, नहीं मान रही है, ये राधा रानी के विग्रह में है, वहां पर राधा रानी के विग्रह के पास ही चित्रपट है, मूल पहले मूर्ति तो बाद में आई, ये चित्रपट वहां था जब राधानाथ महाराज जी 71 में वहां पर विराजमान थे, यहीं पर रहे थे 6 महीने के लिए। आगे दिखाइए, देखो चरणों में गिरकर सेवा कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए, यहाँ पर आकर प्रार्थना करते हैं, हमारा जो मिथ्या अहंकार है ना हम छोड़ना चाहते हैं, सारी हमारी भावना जो है वो आपके लिए होनी चाहिए, हमारे अश्रु भी आपके लिए बहने चाहिए, कोई भी भावना हमारी जो है वो खुद के लिए नहीं होनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और आपकी सेवा करते करते हमारा मान भी, हमारा जो सम्मान भी नष्ट हो गया ना, कुचल दिया गया हमको तो भी चलेगा, आपको आपका बनना है हमको बस, उसमें हमारी भावनाओं का चकनाचूर भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन आपका बनना है, हमें आपका बना लीजिए, अपना बना लीजिए। नेक्स्ट, और ये मोर कुटी है, यहाँ पर भगवान ने मोर बनकर नाश किया था। देखो आगे दिखाओ, देखो और दिखाओ आगे, देखो यहाँ पर कृष्ण भगवान और राधा रानी दोनों मोर बनकर नाच कर रहे हैं, आगे दिखाओ, देखो कितना सुंदर मोर बनकर नाच रहे हैं, है ना, फिर आगे दिखाओ, ये यहाँ की लीला है, यहाँ पर भगवान चित्र विचित्र रूप में मोर बनकर नृत्य करते हैं, कभी खुद मोर बन के आते हैं, राधा रानी मोरनी बनकर आती है, कभी मोर का भेष बनाकर आते हैं। आगे दिखाओ, ये हमारे गुरु महाराज भी इसी रास्ते से आगे गए थे 1971 में और यहाँ पर उनको बड़ा साक्षात्कार हुआ था। आगे दिखाओ, देखो मान मंदिर का दर्शन करते हुए चले थे राधा रानी मंदिर से, इसी रास्ते पर उनको बड़े दिव्य साक्षात्कार हुए थे। आगे बढ़िए, देखो प्रणाम कर रहे हैं महाराज जी, है ना, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं राधा मान बिहारी लाल को, और इसी जगह पर 6 महीना रहे,
नीचे जाकर मानपुर में माधुकरी किया, जल लेकर आया नीचे से। आगे देखिए, और यह है रमेश बाबा जी महाराज, बड़े संत हैं, इनके ही संघ में रहे 6 महीना और इनके संघ में उनको बड़े साक्षात्कार हुए। तब जाकर उनको मन में ऐसा विचार आया कि इसी जगह पर 6 महीना रहने के बाद में मुझे जीवन के सबसे मूल्यवान साक्षात्कार हुए, तो मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ बरसाने के लिए। इसलिए उन्होंने हमें तुरंत ही सम्मति दिया था, परमिशन दिया था कि आप करो यहाँ पर कैंप, सेवा करो, क्योंकि उनके मन में वो ऋण था कि ये भूमि ने मुझे बहुत बड़े जीवन का साक्षात्कार दिया है, तो मैं कुछ देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड अर्पण करना चाहता हूँ। उसी का परिणाम हमारा बरसाना आई कैंप है, इसलिए हम हर साल वहां पर 28 साल से जा रहे हैं। अभी आगे जाकर अस्पताल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे जाइए, ये लक्ष्मी मैया है, ये वहां की ब्रिजवासी है जहां पर हमारे महाराज जी माधुपुरी कह करते थे। महाराज जी की कृपा से हम भी यहाँ पर मैया के हाथ से कई बार रोटी खा चुके हैं, यहीं पर हम रहते हैं, यहीं पर हमारा घर है। और महाराज जी कहते हैं कि इनके हाथ से रोटी पाना यानी आपका पुण्य जब फलित हो जाता है, राधा रानी प्रसन्न हो गए आपको, तो आपको लक्ष्मी मैया के हाथ से रोटी खाने मिलेगी। ये हमने महाराज जी के साथ यहीं बैठकर अनंत बार इनके हाथ के रोटी का पान किया है। इनको वंदन करके आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मी मैया को थैंक यू वेरी मच। और ये है धोनी कुंड, ये दर्शन जो है ना वो मान मंदिर के ऊपर से होता है, इसकी कहानी आपको जरूर बताएंगे आज। और वो धोनी कुंड में एक मिनट पीछे जाओ, राधा रानी के पिताजी के सारे गायों का दूध निकालकर इस कुंड में जमा किया जाता है। ये कुंड आपको दूर से दिखा रहा हूं मैं, पहाड़ के ऊपर से, हाँ, लेकिन इसमें एक कुंड के अंदर पूरा भक्ति वेदांत अस्पताल बैठ सकता है, इतना बड़ा और गहरा है ये। और हम लोग तो 2 लीटर 4 लीटर का दूध लाते हैं घर पे, गर्म करते हैं, हमारा उतना ही कैपेसिटी है। कभी कोई संत लोग जो मेहमान आए तो 10 लीटर ले लेते हैं, लेकिन 12 लाख गायों का दूध निकाल कर यहाँ पर रखते हैं रोज। राधा रानी के गायों का यहाँ पर दोहन किया जाता है, मिल्किंग। कृष्ण भगवान आए थे एक बार यहाँ पर दूध निकालने के समय, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी आपके गाय का दूध निकालने का सेवा मिलेगा क्या? तो राधा रानी ने हाँ कर दिया, उस गाय के बछड़े को पकड़ा, कृष्ण भगवान बड़ी कुशलता से दूध निकालने के लिए बैठे, पीछे के दो पैरों को दोरी बांध दिया, बड़े ठाट से बैठे, हाँ एकदम एक्सपर्ट मिल्कमैन, और दूध निकालने लगे, बहुत टिंग करके ऐसा किया और पिचकारी पूरी राधा रानी के मुंह पर लगा दी, तब आंखों में दूध गया। कुछ मिनट लगे आंखों को पहुंचने में, तब तक तो कृष्ण जोर जोर से हंस रहे हैं, ऐसा राधा रानी मग्न होकर निहार रही है, कृष्ण की कुशलता को देख रही है, कितना सुंदर तरीके से दूध निकाल रहे। और अचानक वो आंचल को, वो क्या कहते हैं उसको, दूध के अडर को टेंट करके राधा रानी के मुख में पिचकारी मारते दूध की। ये लीला यहाँ पर हुई थी। आगे देखिए, रक्त नील सीत धूम्र पीत गो दोहन प्रद वृषभानुकृत तीर्थ नमस्तुभ्यम प्रसीद मे। लाल रंग की, नीले रंग की, सफेद रंग की, ऐश कलर की, पीले रंग की, सभी प्रकार की गायों का गोदोहन प्रद यहाँ पर वृषभानु महाराज ने किया, इस कुंड का निर्माण किया। नमस्तुभ्यम, हम बार बार प्रणाम करते हैं इस कुंड को। हरे कृष्णा, आगे बढ़िए, फिर सांकरी कोर है ये, सांकरी कोर, इसको पीछे जाइए जरा आप, हाँ और आगे, हाँ बस इसके ही नहीं आगे पीछे, बस इसके ही लेफ्ट साइड में एक कुंड है, और जिसकी कथा बताकर आज की कथा हम समाप्त करते हैं। इसके बाजू में जो कुंड है उसका नाम है बिहार कुंड, वो बहुत ही इतना जीर्ण हो चुका है, उसको फोटो निकालना भी अच्छा नहीं, बहुत गंदगी हो गई, लेकिन वो बहुत विशाल और बहुत ही दिव्य कुंड है। तो उस कुंड का नाम है गौरी कुंड, बिहार कुंड या माहेश्वरी सर। तो इसमें शिव जी महाराज आए थे हमारे, और आप जानते हैं ना, पहले ही बताया मैंने आपको कि बरसाने में जो भी आता है सबको सखी बनना पड़ता है। तो इस कुंड पे आए, वहां पर सखी बनने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब लेडीज का ड्रेस पहन रहे हैं, तो उतने में गौरी जी वहां प्रकट होती है, गौरी जी का तेज वहां प्रकट होता है, इसका नाम पड़ा है गौरी कुंड, गौर तेज से वो संपृक्त हो गया। फिर गौरी कुंड पे गौरी जी कहते हैं, अरे आप पुरुषों को क्या मालूम कैसा श्रृंगार करते हैं माता लोग,
हम आपको बता देते हैं श्रृंगार कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर राधा रानी को पुकारने का काम है ना, यहाँ पर उसके लिए गौरी जी स्वयं अपने पति देव को सखी बनाती, श्रृंगार करती है उनका, खुद भी श्रृंगार करती है, और दोनों सखियां अभी बने हुए हैं, दोनों सखियां, पर वो भी सखी तो है ही वो, और ये सखी बने हुए हैं, दोनों सखी बनकर फिर पहाड़ पे जाते हैं राधा रानी को पुकारने के लिए। सुन लो टेर हमारी, ओ वृष भानु दुलारी, हमारी पुकार सुन लो राधा रानी, पुकार सुन लो, पुकार सुनो राधा रानी, अब पुकार सुनो। इसलिए उसका नाम पड़ा है माहेश्वरी सर, हमारे महेश भगवान माहेश्वरी बने। तो वो सुंदर कुंड जो है वो इसी के बाजू में है। तो इसी कथा के साथ हम आज की कथा हम यहाँ पर विश्राम देते हैं, यहाँ की आगे की कथा हम कल करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। ठीक है, राधे राधे। बंद कैसे करना है इसको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आपसे विदा।